कचहरी के लिए सब सो रहे हैं। चार बजने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। तो अभी हम लोग उठ चुके थे शहरी के बाद, रिजा के स्कूल में काम है तो बस अभी वही जा रहे हैं, वहाँ से आके आपसे मिलते हैं। मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है। रिजा कहाँ एक्सीडेंट हुआ था? बस ये कार पे। इधर यहाँ पर उन्होंने ऐसा मारा भैया की थी। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदी सबक जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, आप सबकी दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। आज है जुमा और नमाज सारी चीज़ें हो चुकी है। अभी हम जा रहे हैं सनी को लेके मार्केट, उसने हमें इतनी सारी चीज़ें दिलाई हैं, तो भैया हमारा भी तो बनता है, इसकी भी तो पहली ईद है शादी के बाद। हाँ तुम्हें नहीं पता था? नहीं। और ये रहे अम्मी। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, बड़ी उम्र हो। और अम्मी को मैं आते साथ परेशान कर रही हूँ, कल से मैं अम्मी से चार दुपट्टे अम्मी को लेके आया ना मैं निकाल के। तब उनके सबर का बांध टूट जाएगा, निकाल दो उनके लिए जो भी है। अम्मी कह रही सूटकेस क्यों नहीं खोल रही हो, सूटकेस क्यों नहीं खोल रही हो। जब से मैं कल से आई हूँ, आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, अम्मी के दुपट्टे ही लिए जा रही हूँ। एक और लिया था, फिर सुबह एक और लिया था, और अभी ये भी लिया क्योंकि इसमें भी दुपट्टा नहीं था। अलमारी की हालत देखना भैया कैसे करके आई है, खराब कर दी होगी एक दिन में। और अम्मी से क्रीम भी ले रही हूँ, अम्मी से हर चीज शांत कर। ये बेचारे लाचार मजबूर है, तो अभी ये बाहर ज्यादा नहीं जा सकते हैं, तो ये भी घर पे रहेंगे। महर भी अभी नहीं जाएगी, ये भी टूटे फूटे हैं, अभी नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ जा रही है सारा, क्योंकि हमें जल्दी से आना है इफ्तार से पहले। रात में इनको घुमा देंगे। तुम्हें आगे बैठना होगा। हाँ। जा। सबसे पहले तो आप यहाँ चलो, घड़ी देख लो। नहीं घड़ी नहीं नहीं। सनी को पहले वॉच चूज कराते हैं, उसके बाद आपसे। वहाँ खुद अकेले चला गया, बोल रहा है तुम यहाँ से जाओ, लड़की वाले में उधर से जा रहे हो। सारा और रिजा को ना हम नहीं ला पाए दिल्ली से कुछ भी, इनको यहाँ से कुछ देख लेते हैं ज़ारा में। लॉन्ग ड्रेस चाहिए, जीन्स टॉप चाहिए? लॉन्ग ड्रेस। लॉन्ग ड्रेस रेजा होती तो बोलती चलो पी हील ले लो। फिर भाई नेक ना अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है। सारा का तो मिल चुका है, रिजा का ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लूज चाहिए शालोपी, मुझे सॉफ्ट चाहिए शालोपी, मुझे ऐसा चाहिए। ये कैसा है पहन लेगी? पहन के लेगी, चल आजा। चाहिए ले आप लो शूज़ है ना। हाँ। ज़्यादा भारी है। सनी को ज़ारा से कुछ पसंद नहीं आया, तो हम आ गए लिवाइस पे। यहाँ पे शर्ट्स के ऑप्शन जो थे वो काफी ज्यादा अच्छे थे, सॉलिड्स में भी और चेक्स में भी। और ये नई चीज मुझे यहाँ पे दिखी है, यहाँ पे ना लाइव वो आपके पैंट को ना ठीक करके देंगे, ऑल्टर करके देंगे सारे। जो अगर आपको कुछ इसमें डिस्ट्रेस कराना है, स्टिकर लगाना है, तो वहाँ पे जो उनके डिजाइनर हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं और आप कस्टमाइज करा सकते हैं अपने डेनिम को। तो ये चीज काफी अच्छी थी, ये रेट लिस्ट भी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। उसके बाद हम आ गए इंक फाइव में, क्योंकि ईद में कुर्ते पजामा के साथ पहनने के लिए सनी को चाहिए थी सैंडल, तो वो यहाँ पे ट्राई कर रहे थे। बड़ी मुश्किल में मैं ढूंढ पाया हूँ यहाँ पे, हम लोग भटक गए थे कहाँ मिलेंगे। सनी को स्पेशली ये दो कलर वाला तरबूज चाहिए था, तो उन्होंने ये जगह ढूंढी और फाइनली यहाँ से उन्होंने ले ही लिया। आ चुके हैं फ्रेंड्स घर, नमाज पढ़ेंगे असर की, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तरबूज तो ले आए, अगर ये भी अच्छा नहीं निकला तो तरबूज की गलती नहीं, किस्मत खराब है। क्योंकि ये वाला माल बहुत कम आ रहा है ना जगह। हाँ, ये वाला कम आता है, देखो सब ऐसे देख रहे हैं क्या होगा। बिस्मिल्लाह। हाँ ठीक है ठीक है बस। अच्छा ठीक है ठीक है, खसखसा है। हाँ दानेदार निकला है, दानेदार निकलते हैं। हाँ। तो मन नरसता है देखने के लिए, ये वाला कम मिलेगा। ये बेचारा ढूंढ के लाया है अम्मी, इसने एक नजर में कहीं देख लिया था, गाड़ी घुमा घुमा के वही लेके गया। टांकी देख कैसी लगाई है, तुम हर काम कर सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। क्या गई सनी की दीदी, अभी दिखाएंगे सनी क्या क्या लेके आया। उठो ए रेहान, वो कौन सा मीम, उठो अनारकली।
इधर ये सो रहा है उधर वो सो रही है। चलो अभी असर का टाइम है, उठो नमाज पढ़नी है। जा रहा हूँ नमाज पढ़ने ऊपर में। तो स्टाइल में क्या देख के खुद को बोल रहे हो? अच्छा लग रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नाजा खाला इसने हमें गजरे दिलाए। नाजा खाला कह रही कितने अच्छे गजरे हैं, तो हमने कहा पहनाए नहीं। तो क्या बोल रहे हैं? रमजान में गजरे से क्या मतलब? और मैं तुम्हारी कौन हूँ? हाँ तो गर्लफ्रेंड हो के जो गुनाह पड़ेगा सवाब मिलेगा रमजान में। तुम्हारे शौहर थका हुआ अपने हाथ से बोला बहुत सवाब मिलेगा। सवाब मिलेगा 70 गुना। बीवी को खुश करने में सवाब है, बीवी को स्पेशल फील कराने में सवाब है, बहुत ज्यादा है ना। आज चिकन की बहुत ज्यादा खुशबू आ रही है। आज किसने बनाया है? दोनों ने मिलकर बनाया। दोनों ने मिलकर। अच्छा खाओगी फिर बताओगी। अच्छा खुशबू बहुत अच्छी है। चलो हम नया सूट पहने हैं। तो कहते ना वो पहले तो मैंने पहले अच्छे लग रहे हैं। रमजान की शॉपिंग करने गई थी तो यही लिया था। हम लाए थे पसंद करके। रिजा तुम क्यों ऐसे बैठी हो सुस्त? दर्द नहीं ठीक हो रहा? उसके कपड़े अभी आए नहीं। रिजा के कपड़े नहीं आए सिल के? कराए भी फर्श हम कोई काम करा है। वैसे मेरे लायक कोई काम दिख तो नहीं रहा है, फिर भी कुछ ना कुछ तो कर ही लेते। सारी चीजें हम प्लेट्स पे निकाल के जमा देते हैं। इसमें कोई तो बर्गर है चिकन का, आधा तो रखू ना बहुत ज्यादा हो जाए। हाँ, एक एक नहीं तो इतने 20 आए नहीं होंगे। लाओ चाकू तो जल्दी से ला। और बड़े ले आज गए जी मटन काट। इतने बड़े बड़े भी आई है हमारे पड़ोसियों से, हमारी सोसाइटी के लोगों ने भेजी है, खुश हो रही है। इफ्तार हो गया है अभी हम लोग किचन में, ये सब आ गए। ये सबसे मुश्किल काम है रखना। क्या करो? तो ये क्या कह रही है? हमसे कह रही है हमारे दिमाग में अभी ट्रेन चल रही है। महत बात करो तो करिए मेरे मैंने कहा चलो ठीक है। अब फील हो रहा है क्या कह रहे हैं? आज भी कह रही है तो मैंने कह रही है महत तुमने खाना खा लिया, नहा लिया, धो लिया, रात में सो लिया, फूड प्रेस, फिर भी तुम्हारे दिमाग में ट्रेन ही चल रही है। इसकी वजह बता फील हो रही है। अरे तुम्हारे इसके लाइफ की इतना लंबा दूसरी बार जर्नी है ना। राइट थर्ड पैदल निकल लिया। आप एक मांगती हो ना कि एक दिया करो, एक लो। सारे इतना बड़ा कौन लेके आया? इतना बड़ा है फ्रेंड्स, हमारे घर में सब आधा मांगते। चलो ना जल्दी, चलो ना, चलो भी जल्दी बता। इतनी सी जिंदगी उसमें भी जीना चाहिए। अब आप जा नहीं रही हो, चलो ना प्लीज। बोल रहे हैं पूरा एक महीना वेस्ट किया घर में रह के। अब तुम इमेजिन का कर रहा था ना डायलॉग का, लेकिन तुम आई नहीं। अब देखो कल सनी भाई चले जाएंगे, अभी मरीन ड्राइव मतलब जाना चलेंगे। चले सनी भाई को बुलाओ, बच्चों का मन बच्चों है की मर्जी चलेंगे उसमें जाकर पूछने की बात ही। आपको मन है घूमने का? मरीन ड्राइव बंद हो जाए, जब तक जाएंगे बंद हो जाएगा। तो क्या बंद हो जाएगा? जूस वूस पी लेंगे लोग। हाँ और क्या हुआ, आसपास कहीं दिखा दें थोड़ा सा, खड़े होने को मिल जाएगा वहाँ पे कहीं पे भी। तो महर की बात मेरे दिल पे लग गई है। जिंदगी छोटी सी, जीने से खुल के। एक दो तीन साढ़े तीन बेचारे की जिंदगी में सच में पीछे लिखा है तुम्हारे चक्कर में। मुझे एडिट करना। क्या खाना है? मलाई पाव। भाई के ब्लॉग में देख के वही देख के, हाँ वही देख के दुनिया लग गई। होता कैसा है खा के देखना। चाय कौन पिएगा? चाय कौन पिएगा? इतना शांति क्यों है भाई? हम लोग इस वक्त गोरे गांव में और इन लोगों को पीनी है चाय, मतलब सनी को ट्राई करनी है। मलाई पाव मस्का पाव इतना सारा नहीं खाऊंगी। बहुत तगड़ी महक रही है मलाई, तगड़ी महक रही है। हम सब आ गए मरीन ड्राइव और ये खड़े हैं तीनों बच्चे, ये हमारे, इनकी वजह से हम लोग आना पड़ा वरना सब बहुत थकी हुई है, उसको ब्लॉग अपडेट करना था। यहाँ पहुँचे हैं तो बोल रहे हैं निकलो यहाँ से, पुलिस वाले भैया आके डंडा लेके। कुछ लोग सो रहे हैं ना वहाँ पे, कुछ लोग सो रहे हैं तो उनको उठो कर रहे हैं, उठो चलो भागो यहाँ से। भाग गया भैया हमारा जूस। हाँ एडिटर आ गया, ये देखिए बड़ा यम्मी है। हाँ रिजा मेरा तो फेवरेट है, मुझे अच्छा। तुम्हारा? तुम्हारी कोल्ड कॉफी अच्छी लगी। हेलो अच्छी कॉफी, बाकी आएंगे मेरे दोनों आदमी। हाँ ओए तो खाने में मतलब बिजी है, सुन ही नहीं रहा यार। तो अब मेरा हो गया निकलने का टाइम। हाँ रो क्यों रही हो तुम? नहीं ये आने में भी रो रही थी, जाने में भी रो रही थी। तुम्हें ये बैग लेके जाना पड़ेगा, ये लड़की वाला बैग ले जाओ, अभी नहीं मिल रहा, मैं झोला में डाल लूंगा। नहीं प्लीज प्लीज, ये अच्छा यही मिला है। हाँ। तुम बस एक ट्रेन में रख देना प्लीज। एक पन्नी दे देना बड़ी। फ्रेंड्स ये थी सनी की ईदी हमारी तरफ से, जो हमने दिलाई थी आपको दिखा दे। ये वॉच है, ऐसे दी है ये वॉच है, पहन के जाओ।
नहीं नहीं रख के लेके जाऊंगा। ये मेरी तरफ से है और ये भगवान कलेक्शन की तरफ से है, देखो ये मेरा कुर्ता। हाँ काले जी देखा, ये चप्पल तुम्हारी। अरे हम बड़े हैं। नहीं मेरी बात तो सुनो, कुछ भी सुनो, अब 10 बार इनकार करोगी तो करते रहोगे। हमारे दमान तो भैया मेरा फायदा हो गया। हाँ इसमें रखते जाओ, ये भी है, ये भी रख लो घर वाले। घर वाली दे रहा है भाई, तो घर अच्छे से। ये रास्ते के लिए खजूर भी पैक कर दिए। शर्ट्स तो रखो। कहाँ चल रही हो तुम? नहीं जाना, नहीं फिर वहाँ से आने बहुत टाइम हो जाएगा। अकेले नहीं जा रही हो तुम? चलो फिर ठीक है। हाँ ठीक नाचा कर जाने लगी जा रहे हैं सारा भी पीछे। चलो इरफान ये तुम्हारी दीदी। नहीं देखो हम बड़े हैं ना, हम दीदी ना, जल्दी जल्दी लो दीदी तुम्हारी, तो कम लगाओ ना और लेके जाना है तो बुलाएंगे भाई, थोड़ा सा वैसा देना। लग रहा था ट्रेन छूट जाएगी आज, इतना ट्रैफिक मोहम्मद अली रोड में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए फाइनली। वैसा वाला नहीं मिला, चलो बात नहीं काफी सो जाना। अच्छा ये दोनों ठीक है। सब ने मुझे कर दिया यहाँ पे ड्रॉप, मैं आ गया हूँ डिब्बे के अंदर और अब चालू जा रही है और अफ्तार का भी टाइम होगा ना, तुमको जल्दी पहुँचना होगा। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मिलते हैं, इंशाल्लाह इसके बाद आता हूँ मैं। ठीक है अपना ख्याल रखो। ट्रेन में जितने भी लोग काम करते हैं ना, वो यहाँ पे ट्रेन के जो किचन होता है ना, वहाँ पे पूरा इफ्तार अच्छे से इंतजाम करते हैं, तो सनी ने भी उनके साथ इफ्तार किया। फ्रेंड्स अनबॉक्सिंग करने के लिए ऊपर आई हुई हूँ, इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं, सोचा ये वाला काम जो है वो फिनिश कर लेती हूँ। ये आया था मुझे अदबकारी कुटोर बाय दानिया की तरफ से, चिकनकारी गाउन है, हैदराबादी जेवर की तरफ से ये प्यारे से जेवर आए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत से जेवर, तो इनका अनबॉक्सिंग हमने डाल दिया है। ज्वेलरी को जेवर ही कहते हैं, तभी तो जेवर नाम रखा है। शो में नहीं कहते गहने, हाँ, जेवर भी होते हैं। फैशन क्लोथिंग हब की तरफ से ये वाला आउटफिट आया था, कलर बहुत अच्छा लगता है ये वाला। 11:44 हो रहा है, हम लोग वॉक करने के लिए आ गए थे। आज ज़्यादा व्लॉग नहीं शूट किया क्योंकि मतलब ऐसे लो सा लग रहा था, फिर हमने कहा चलो वॉक स्टार्ट करते हैं, बातें करते हैं। ये भी है अम्मी बेटी खाला अम्मा लोग उस साइड है। इतने दिनों बाद हम लोग ऐसे साथ में बातें, दुख सुख लोग भी वॉक करके बैठ चुकी है। अभी फिर जाएंगे, फिर से चलो, फिर चलो तुम भी चलो, तुमने नहीं वॉक की अम्मा ने? ज्यादा टहली बेटी, इस साल टहली, सारे लोगों को घुटने की तकलीफ है। फ्रेंड्स कोई घुटने का इलाज बताओ, घुटने का इलाज बताओ, कैसी तकलीफ है चलने में? दोनों घुटने, ये दोनों चल नहीं पाते। वॉक कर लिया फ्रेंड्स, ऊपर आ गए थे, व्लॉग को एंड कर रहे हैं। एंड करने से पहले जो काम है वो कर लेते हैं। ये तो सारा रजा के लिए ली थी मेहर, अफसोस तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें बाद में दिला देंगे, यहाँ पे ये मिलती है ठीक है, ये दिल्ली से ली थी, ऐसी यहाँ पे मिलती है। क्या क्या बोली? क्या पिज्जा? मेहर तुम्हें हम ऐसे ही कुछ ढूंढ के दिलाएंगे। ये इतनी सारी चीजें आई है, आज भाई अभी गए थे वहाँ पे, कहा बैचलर्स, तो वहाँ का जो पिज्जा है वो सबको बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत फेमस है, और वहाँ के शेक्स वो उन्होंने भेज दिए, अभी हम यहाँ पे खाएंगे और वो लोग कहीं चले गए अर्जेंट। तो सबसे पहले सारा तो गई थी, तो सारा ने खुद ही चूज कर लिया है, ये है सारा की ड्रेस, सारा ने खाएगी ओपन करके। अच्छी लग रही है? तुम बताओ, तुम बताओ। अच्छी हमी ने तो बताई, देखी थी रिजा, ये है तुम्हारा कैच, लाओ कितना अच्छा है। अच्छा कैच कैच, ये तुम्हारे अंदर पहनने के लिए, इसके नीचे लाइनिंग और ये इसके नीचे लाइनिंग, इनके गले बड़े बड़े हैं। कैच कैच करो। हाँ क्यों, तुम्हारे लिए नहीं होगा अभी के लिए, तुम ये वाला ले। अच्छा, नहीं तुम अब के तुम्हें सब कुछ दे दो, किचन तो मेरा फेवरेट है। चल चल अब ले लो, पर्पल है मेरा, सॉरी मैंने अभी देखा। देखो कितनी अच्छी बच्ची है। तुम्हारा कुर्ता सूटकेस में रखा है, अभी निकालेंगे।
आप लोगों ने अपने सूट चूज कर लिए हैं। हाँ, कौन सा? अच्छा, ये बेटी हाल ने चूज किया, ये हमारा, ये दोनों के बहुत अच्छे। और अम्मा वाला अच्छे प्यारे ग्रीन कलर का है। चलो ठीक है, कल दिखाएगा, परेशान मत। सबको दिखाने की एक्साइटमेंट होती है। और ये वाला है अम्मा के लिए, ये हमने लिया था दिल्ली हार्ट से। और अम्मी की इतनी फास्ट सर्विस है कि इन्होंने आज ही सिलने भेज दी है। तो इंशाल्लाह जल्दी सिल के आ जाएगा। अभी हमने स्पेशली दिलाया रमजान के लिए, ईद पे तो फिर अभी शॉपिंग कराएंगे भाई लोग, भाभी लोग जो भी है, तो वो ईद पे तो वैसे ही वो वाला ही पहनेंगे। तो ये वाला ये लोग सब रमजान में पहन लेंगे, जुमे पढ़ेंगे ना। हाँ, अलविदा में, हाँ तब पहन लेना, ठीक है। और बची भाभी, उनके लिए ये हमने बिना सिले सूट नहीं लिए थे, थोड़े शाइन वाले, क्योंकि अभी उनको कंफर्टेबल कपड़ों की ज्यादा जरूरत है। और ये वाले कपड़े अभी फिर कब सिलाएंगी, कब पहनेंगी, और अभी उनको बड़े बड़े साइजेस चाहिए, तो उनको हम करेंगे ऑनलाइन ऑर्डर, जो उनके कंफर्टेबल होंगे, कौन सा ब्रांड उनको चाहिए, कौन सा साइज उनको चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब बड़ा साइज भी पहनना होगा ना, तो वो सारी चीजें हैं, तो वो हम भी पूछ के मतलब आज ऑर्डर कर देंगे, फिर आपको दिखाएंगे उन्होंने क्या पसंद किया।